स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए बच्चों, पहले हम ये जाने कि कुरीतियां होती क्या है। हम जानेंगे कुरीति का अर्थ क्या है। समाज या व्यक्ति को हानि पहुंचाने वाली अनुचित रीति ही कुरीति कहलाती है। आज हम देखेंगे बच्चों कि आज हमारी समाज एवं विवाह शक्ति के जो पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण है कुरीतियां, अंधविश्वास, कुपरंपराएं एवं गूढ़ मान्यताएं, जिसको हम कहते हैं कुरीति। और सभी इस बात को महसूस करते हैं कि आर्थिक पिछड़ेपन का तुलना में जो बौद्धिक पिछड़ापन है वो व्यक्ति और समाज को बहुत ही ज्यादा आहत किया हुआ है। आज की इस वैज्ञानिकवाद आधुनिक युग में जहां व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच चुका है, आज भी अंधविश्वास एवं कुपरंपराएं जो हैं वो मनुष्य को एकदम जकड़ी हुई है और वो काफी प्रयत्न करने के बाद भी इससे नहीं निकल पाता है। बच्चों आज हम जानेंगे, वैसे तो आप लोग बहुत सारी कुरीतियां जानते हैं और किस प्रकार से ये समाज को प्रभावित करता है ये भी जानते हैं, लेकिन आज हम कुछ कुरीतियों के बारे में जानेंगे कि वो किस प्रकार से हमारे समाज में व्याप्त है और कैसे हमें प्रभावित करती हैं, हमारी प्रगति के मार्ग में बाधक है। आइए पहले हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था आज भी हमारे समाज में देखने को मिलता है। इसमें हम देखेंगे कि पहले प्राचीन समय से ब्रह्मा जी ने अपने चार पुत्रों को चार कर्म सौंप दिए थे और उन्हें चार वर्णों में विभाजित किया था, ज्ञान, कर्म, बल और श्रम। और वह चारों शक्तियां ही मानव समाज के लिए बहुत ही आवश्यक थी और वह अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए यह जरूरी था कि वह वंशानुगत यह चलता रहे, उसमें कुशलता परिस्कृति बढ़ती रहे। इस दृष्टि से चारों कर्म चार पुत्रों में बांटा गया था। वह चारों आपस में भाई था, न कोई बड़ा था न कोई छोटा था, न कोई उसमें आपस में भेदभाव था। जो ब्राह्मण थे वो अपनी त्याग और तप तथा अपनी आंतरिक शक्ति के कारण कुछ श्रेष्ठता हासिल कर लिए थे, फिर भी उनमें चारों में कोई विशेष अंतर नहीं था। समय बीतता गया और आज धीरे धीरे हमने देखा कि उन चारों के अलावा और भी बहुत सारी जातियां उपजातियां हमारे समाज में निकल आई और धीरे धीरे ये देखने को मिला कि वो आपस में ऊंच नीच की भावनाएं, कोई ऊंचा कोई नीचा, इस प्रकार से हमको देखने को मिलने लगी। तो जो इस प्रकार से जो भावनाएं हुई वे मानव के अंतर मन को, उसकी मानसिक स्थिति को, विशेषकर युवा वर्ग के मानसिक स्तर को वो बहुत ही आघात पहुंचाती है। और इस प्रकार से जब मानसिक आघात अंदर से पहुंचता है तो यह युवा वर्ग के लिए तथा सामाजिक हमारे विकास में, प्रगति में यह बाधा पहुंचाती है। इसी संबंधित एक घटना है बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कि अल्मोड़ा का नाम आपने सुना होगा। अल्मोड़ा में एक जाति समूह के द्वारा 27 वर्ष का युवक था, उसकी शादी थी और वह घोड़ी पे सवार होकर उसकी बारात निकली। वह कुछ दूर गए ही थे कि तब तक दूसरे समुदाय के लोगों ने उसे देखा और उन्होंने उसे घोड़ी पर उतरने से मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि इस समुदाय के लोग घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, ये उनके समुदाय की परंपरा के विपरीत है। और उस बारातियों में कुछ समुदाय जो थे उसके मित्र वो दूसरे समुदाय के थे तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसका विरोध किया। और वहां के जो डीएम थे, बात वहां तक पहुंची, उन्होंने इसका शिकायत दर्ज की कि ऐसी ऐसी बात है। और उसके बाद जब उनके डीएम और वहां के जो सरकारी जो तंत्र हैं उनके द्वारा इस प्रकार से जो अवरोध उत्पन्न किया जा रहा था उसे रोका गया और कुछ लोगों को उन्होंने गिरफ्तार करवा के वहां से हटाया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि आज भी ऐसी व्यवस्थाएं कहीं कहीं देखने को मिल जाती है जो कि जातिगत व्यवस्थाओं पर है, जबकि यह हमारे समाज के विकास के लिए बहुत ही अधिक बाधक है। बच्चों दूसरा देखेंगे हम लोग, खर्चीली शादियां।
खर्चीली शादियां संसार के सभी देशों में सभी धर्मों में शादियां होती हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे कि जितनी फिजूल खर्ची हमारे यहाँ होती है शादियों में, उतना शायद कहीं और देखने को नहीं मिलती। अब इससे आर्थिक संतुलन नष्ट होता है। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती और वह इतना व्यर्थ का खर्च नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो परंपराएं हैं उसको निभाने के लिए, अपनी स्थिति को समाज में अच्छी बनाए रखने के लिए उन्हें इस प्रकार की खर्चीली शादियां करनी पड़ती हैं, और इसके लिए वह उचित साधन के अलावा अनुचित साधनों का भी प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार के जो प्रयत्न होते हैं वो परिवार के और तथा समाज के विकास में बाधक होता है, क्योंकि जो वे व्यय अपने मन विकास के लिए कर सकते थे वो अनावश्यक ऐसे खर्चों के लिए करते हैं, इससे कि समाज के विकास के लिए ये बहुत ही नुकसान है। अगला है छुआछूत। बच्चों, छुआछूत की तो आप लोग भी जानते होंगे। छुआछूत तो वैसे कानूनन जुर्म है, लेकिन वह आज भी हमारे समाज में कहीं कहीं बहुत अधिक देखने को मिलता है किसी किसी वर्ग में। हालांकि वह खुलकर सामने तो नहीं आता, लेकिन फिर भी अंदरूनी रूप से हमें कहीं कहीं यह समाज में व्याप्त दिखाई देता है। इसमें हम लोग देखेंगे जैसे किसी परिवार में कोई व्यक्ति काम करता है तो उसका बर्तन, अगर वो किसी अन्य जाति का है तो उसका बर्तन, उसके खाने पीने का जो जिसमें वो खाता पीता है गिलास बर्तन, उसको अलग रखा जाता है। तो ये सब जो है उसके मन को जरूर आघात पहुंचाता है, मानसिक रूप से वह इस प्रकार की क्षति को महसूस करता है। तो ये समाज में आज भी हमें देखने को मिलता है, और जरूरी नहीं है कि यह कम पढ़े लिखे या गाँव में देखने को मिले, यह हमें शहरों में और पढ़े लिखे लोगों में भी इस प्रकार की प्रथाएं देखने को आज भी मिल जाती हैं, जो कि व्यक्ति के मानसिक स्तर को बहुत ही निम्न करता है, जो कि हमारे समाज के विकास के लिए बहुत ही बाधक है। अगला देखेंगे हम मृत्यु भोज की व्यर्थता। किसी के मरने के पश्चात उसमें शादी विवाह और समारोह की तरह मृत्यु भोज का आयोजन किया जाए, यह कहां तक तर्क संगत है। लेकिन बच्चों आज भी हमारे समाज में इस प्रकार के मृत्यु भोज को देखा गया है। मृत्यु को तो शोक का चिन्ह माना जाता है, तो फिर इस प्रकार के आयोजन का क्या उद्देश्य। मृतक के मित्रों और संबंधियों को चाहिए कि वह मृतक परिवार का इस प्रकार सहानुभूति से उसके साथ पेश आए, उसे आर्थिक सहयोग करे, उसे संबल दिलाए। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ आज भी मृतक भोज की परंपरा चालू है, जो कि हमारे समाज के विकास में बहुत ही बाधक है। अगला है बलि प्रथा। बच्चों, बलि प्रथा से आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बलि प्रथा क्या है। हमारे धर्म ग्रंथों में हम देखेंगे कि बहुत सारे देवी देवताएं हैं, और इतना ही देवी देवता हमारे लिए पर्याप्त है कि हम उनकी पूजा आराधना करें। लेकिन फिर भी कुछ समुदाय हैं, कुछ ग्रामीण लोग हैं, कुछ गांव समुदाय में हम देखेंगे कि उनके अपने अलग अलग देवी देवता हैं और उनकी वह पूजा पाठ करते हैं। बच्चों, यहाँ तक तो ठीक है कि वो उनकी पूजा आराधना करते हैं, लेकिन वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए किस कई प्रकार की बलि भी देते हैं, जैसे बकरे की बलि, मुर्गे की बलि, या फिर सुअर या भैंस। उन्हें अलग अलग समुदाय में इस प्रकार की बलि प्रथा आज भी चलती है, और हम ये देखेंगे कि एक कैसी विडंबना है कि जिस देवी देवताओं ने, जिस ईश्वरीय शक्ति ने इस पृथ्वी का, इस समाज का, इस पशु पक्षी का, मनुष्य का निर्माण किया है, वह इस खून से कैसे प्रसन्न हो सकता है। किंतु यह परंपराएं प्राचीन काल से चली आ रही हैं, और यह कोई भी इसको बदलने का साहस नहीं कर पाता, और हमारे समाज के लिए यह बाधक बनी हुई है। अगला हम लोग देखेंगे भिक्षावृत्ति। भिक्षावृत्ति, जैसा कि हम जानते हैं, भिक्षावृत्ति का मतलब होता है पेट भरने के लिए दूसरों के सामने यह हाथ फैलाने की प्रक्रिया को हम भिक्षावृत्ति कहते हैं। भिक्षावृत्ति उस व्यक्ति की वृत्ति है जिसके पास जीविकोपार्जन का कोई आधार नहीं है। अब इसका कारण बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि आर्थिक कारण। कोई व्यक्ति मैंने दरिद्र है, गरीब है, तो वह भीख मांग रहा है, या फिर रोजगार की कमी। और कुछ लोग तो
इस प्रकार से भी भिक्षावृत्ति में उतर जाते हैं एक व्यवसाय के रूप में। वो ऐसे लोग जो कि मेहनत करने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि कम मेहनत करके आसानी से धनोपार्जन किया जा सकता है, तो वो है भिक्षावृत्ति। लेकिन इस प्रकार से भिक्षावृत्ति जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो कार्य कर सकता है, उसके लिए भिक्षा मांगना बहुत ही दुख की बात है। और जो लोग शारीरिक अक्षमता के कारण मांगते हैं, वहां तक तो फिर भी सही है, किंतु आलस्य और मेहनत के डर से भिक्षाटन करना एक समाज के लिए, हमारी विकास, समाज के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा बाधक है। अगला देखेंगे पुत्र पुत्री में भेदभाव। बच्चों, आज तो समानता का समय है कि नर नारी सभी समान है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जहां पर अशिक्षा का प्रभाव है, शिक्षा का अभाव है, वहां पर हमको कभी आज भी देखने को मिलता है कि वहां पर पुत्र और पुत्रियों में व्यापक माने भेदभाव बरता जाता है। पुत्रियों को, लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है, उन्हें ऊंचे पद पर जाने से, ऊंची पढ़ाई से रोका जाता है, उनको वो सारे अवसर जो एक लड़के के लिए होते हैं, वो सारे अवसर से उन्हें दूर रखा जाता है। तो इस प्रकार जो पुत्रियों का, लड़कियों का जितना विकास होना चाहिए, वह विकास रुक जाता है। और एक स्वस्थ समाज और विकास समाज के लिए नर और नारी, पुत्र एवं पुत्रियों का, दोनों का समान रूप से अध्ययन करना, समान रूप से उन दोनों का विकास होना, समाज के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला हम लोग देखेंगे अंधविश्वास। अंधविश्वास आज भी हमारे समाज में कहीं कहीं बहुत ही अधिक देखने को मिलता है, जो कि भूत है, पिशाच है, जो कि मानसिक विकृति फैलाते हैं। आप लोग भी बच्चे जानते होंगे जो गांव के रहने वाले हैं, या फिर कहीं कहीं पढ़े लिखे लोग भी इस भूत पिशाच के चक्कर में आ जाते हैं, और कई तांत्रिक है, ओझा है, इन सबके चक्कर में पड़ते हैं, और वो उससे हमारा मानसिक और आर्थिक दोनों ही शोषण बुरी तरह से वे करते हैं। अब यह दैनिक जीवन में सभी को कई प्रकार की आर्थिक परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, मानसिक परेशानी, ये तो आती ही रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके लिए किसी तांत्रिक या ओझा के पास जाएं। लेकिन फिर भी वे कई लोग इस अंधविश्वास में पड़े रहते हैं कि हमारे पास जो परेशानी आई है, जरूर वह किसी भूत प्रेत का चक्कर है। और इस प्रकार जब भोले भाले लोग इस प्रकार के तांत्रिक और ओझाओं के चक्कर में पड़ते हैं, तो वे हमारा मानसिक और आर्थिक शोषण बहुत ज्यादा करते हैं। और यह एक गरीब या फिर कम पढ़े लिखे लोगों तक ही यह सीमित नहीं है, यह पढ़े लिखे लोगों में भी देखा जाता है कि वो भी कई अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर अपना आर्थिक और मानसिक शोषण कराते हैं। हालांकि पढ़े लिखे लोगों में यह सब कार्य बहुत दबे रूप में होता है बच्चों, लेकिन फिर भी हम शहरों में भी देखेंगे तो वो इस प्रकार के कुरीतियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसी पे एक कहानी है, एक छोटी सी घटना बताती हूँ मैं आप लोगों को, कि झारखंड में, आप लोगों ने पता नहीं सुना है या नहीं, लेकिन झारखंड में लड़की का विवाह एक कुत्ते से कर दिया जाता है, इसलिए ताकि उस पे मांगलिक दोष जो है वो मांगलिक दोष समाप्त हो सके। बच्चों, क्या कहीं ऐसी कुरीति होती है कि क्या ऐसा मांगलिक दोष कहीं समाप्त हो सकता है? उसी प्रकार एक और है, गुजरात की कहानी, घटना है गुजरात की, जो कि हमको अभी कुछ समय पहले देखने को मिली थी, सुनने को मिली थी, कि वहां पर एक परिवार है, तो उनकी लड़की जो है अपने ताऊ के घर घूमने को गई, और उनके ताऊ ने उनके पिता को बताया कि आपकी लड़की को भूत प्रेत का बाधा है। उनके पिता और ताऊ ने दोनों मिलकर एक तांत्रिक या ओझा, जिसके पास भी उन्होंने गए, और ओझा उन्होंने बताया कि इस लड़की को, आपकी पुत्री को, गन्ने के खेत में ले जाकर उसे बांधें, और बांधने के बाद उस पर प्रहार करें। ऐसा करने से वो जो भूत प्रेत की बाधा है वो हट जाएगी। वो दोनों उसे गन्ने के खेत में ले जाकर बांधे और उसे इतना मारे कि वो लड़की बिल्कुल बेसुध हो गई, और उसे वहीं पर छोड़कर वो वापस आ गए।
बाद में उसकी जानकारी जब उसकी माँ को पता चली तो माँ ने इस पे FIR दर्ज करके केस दर्ज करवाया, जिससे कि वो दोनों को गिरफ्त में लिया गया, किंतु तब तक उस बच्ची की जान जा चुकी थी। तो इस प्रकार अंधविश्वास से लोग अगर जकड़े रहेंगे तो हमारी इससे क्या है कि प्रगति में यह बाधा पहुंचाएगी और इस प्रकार से कई जाने जाती रहेंगी। बच्चों, इस प्रकार से हम देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं जो कि समाज में व्याप्त हैं, इसमें अशिक्षा भी है। अशिक्षा के अंतर्गत देखेंगे तो आज तो वैसे शिक्षा बहुत ही व्यापक तौर पे सभी को मिल रही है, गांव में भी शिक्षा का पूरा व्यापक प्रचार प्रसार है, लेकिन फिर भी कुछ समुदाय, कुछ गांव में ऐसा है जहाँ पे शिक्षा से अपने बच्चों को दूर रखा जाता है, या फिर वे बच्चे बहुत ही कम शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। और अशिक्षित होने के कारण अगर वो मेहनत मजदूरी भी करते हैं तो शासन की जो रोजगार योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता, और अगर मिल भी पाता है तो वो बहुत कम मिल पाता है और वे थोड़े बहुत में ही जानकारी ले पाते हैं। और कई जगह तो यह भी देखने को मिलता है कि कुछ मजदूर जो कि अशिक्षित होते हैं उन्हें उनकी मजदूरी भी कम दी जाती है, लेकिन वे इसकी आवाज नहीं उठा सकते इस पर, क्योंकि वे अशिक्षित होते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से अशिक्षा भी एक प्रकार से कुरीति ही है जो कि हमारे समाज में, हमारे विकास में, हमारे युवा के विकास में यह बाधक है। आइए अब हम देखेंगे कि जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के क्या उपाय हैं। हमारी सामाजिक कुरीतियां राष्ट्र के विकास की अवरोधक है। बच्चों, ये सामाजिक विषमताएं तथा उनसे उत्पन्न कुरीतियां जब तक दूर नहीं की जा सकती, जब तक हम उनके मूल कारणों तक, उनके तह तक नहीं पहुंचते, वह देश में व्याप्त अशिक्षा, निर्धनता तथा बढ़ती जनसंख्या को हम नियंत्रित नहीं कर लेते। बच्चों, क्या आपको पता है कि चीन के बाद हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, जहां लगभग 40% जनसंख्या आज भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। इन लोगों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। लगभग इतने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना नाम भी लिखना नहीं आता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम देखेंगे कि बहुत ही आज सारे इस विषमताएं समाज में है। इन सामाजिक कुरीतियों को की जड़ें समाज के अंदर इतनी गहरी हो गई हैं कि इसे सामूहिक प्रयास के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। केवल सरकार एवं प्रशासन इसे रोकने में सक्षम नहीं हो सकती। माना कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं इन कुरीतियों को रोकने के लिए प्रभावी हैं, लेकिन फिर भी जब तक सभी समाज सेवी संस्थाएं और भी लोग, समाज की अन्य धार्मिक संस्थाएं, सभी कोई मिलकर, जब एकजुट कर होकर इस पे प्रयास करेंगे, तभी शायद यह कुरीतियों से छुटकारा मिल सकता है। तभी देश में व्याप्त कुरीतियों से हमें मुक्ति भी मिल सकती है और समाज एवं युवाओं की प्रगति के मार्ग पर अग्रसर किया जा सकता है। तो बच्चों, ये थी हमारी कुरीतियां। आइए हम संकल्प लें कि हम समाज में व्याप्त जो भी कुरीतियां हैं, जो भी हमको कुरीतियां दिखाई देती हैं, सबसे पहले हम अपने परिवार में, अपने जो भी कुरीतियां हमारे परिवार में हैं, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। हम अपने घर के बड़े बुजुर्ग बूढ़ों को जो खराब कुरीतियां हैं, जो हमें मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाती हैं, ऐसी कुरीतियों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि यह किस प्रकार हमें नुकसान पहुंचाती है और इसे दूर करने का प्रयास हम करेंगे। और समाज में जहां भी ऐसी गूढ़ मान्यताएं, कुरीतियां हैं, उन्हें हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही, और अगली यहाँ कक्षा में हम फिर मिलेंगे। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।